नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 24 न्यूज में और आपके साथ में शशि किरण। खबर की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सुनेल में 50 फीट गहरे कुएं में गिरी एक बेसहारा गाय। सुनेल क्षेत्र के चचचल गांव की है घटना। मनोर थाना में मीणा समाज का सामूहिक सम्मेलन हुआ आयोजित। 16 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में। मांगलोर में बजट के अभाव में अटके पड़े सड़कों के काम। जर्जर सड़कों में नजर आने लगे खाई नुमा गड्ढे। पाली में मां भटियाड़ी का मेला व वर्षगांठ समारोह हुआ शुरू। मां भटियाड़ी के नाम भजन संध्या का भी हुआ आयोजन। भरतपुर में बछेरा आश्रम को 5000 रुपए की राशि का दिया चेक। सामग्री वाहन को व्यापार मंडल द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। शाहबाद में NH-27 पर मिला युवक का शव। फोटोग्राफी का काम करता था मृतक। देहरादून में रमजान महीना शुरू होते ही बाजारों में दिखी रौनक। महंगाई की मार रोजेदारों को पड़ रही है झेलनी। अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। सुनेल क्षेत्र के चचलाव गांव के समीप एक बेसहारा गाय करीब 50 फीट गहरे बिना मुंडेर वाले कुएं में गिर गई। गाय के कुएं में गिरने की सूचना पर मौके पर पहुंचे चचलाव निवासी कमलेश पाटीदार, सुरेश पाटीदार, पप्पू भील, संजय चौधरी, बाबूलाल पाटीदार, सत्यनारायण, जगदीश पाटीदार, नवल पाटीदार, राजू पाटीदार व बद्री धाकर ने आदि ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर गाय को सुरक्षित कुएं से बाहर निकाल कर मानवता का परिचय दिया। भाई मगर थाई का वो वो करो ना अभी ठीक बाकी का हां मासिक का सच्चे तो अरे वो खर्चा भी खर्चा से लाग रूम अरे का खर्चा है बंदे ना पीछे बंदे का तो इधर पीछे ही तो इधर राशि बंदे का जो बोले अरे अब खर्चा का मोहन छोड़ा छोड़ छोड़ दे उठी पकड़ अटी आ जाओ मनोर थाना कस्बे के पर्यटक स्थल के समीप ग्राम नांदेड़ा में तृतीय सामूहिक मीणा समाज द्वारा आयोजित मीणा समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन में 16 जोड़ों का पाणिग्रह संस्कार विधिवत परंपरा अनुसार किया गया। आचार्य राम राणा नारायण शर्मा द्वारा वेद मंत्रों से विधिवत वर वधु को अग्नि साक्षी मानकर पाणिग्रहण संस्कार सम्पन्न करवाया। वहीं आचार्य द्वारा सुखी जीवन के एवं स्वच्छता का संदेश दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी मार्गदर्शन करते हुए आचार्य ने लोगों को प्रेरित किया। इस मौके पर कामखेड़ा थाना प्रभारी राजेश मीणा, विकास अधिकारी मनोर थाना अध्यक्ष बजरंग लाल मीणा, कोषाध्यक्ष बनकट मीणा, बीरम चंद मीणा, मुरलीधर मीणा, राम सिंह मीणा, पूर्व सरपंच अमर लाल फौजी, व्यापार संघ अध्यक्ष माणक चंद मीणा, समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। बाहर से आए हुए अतिथियों ने फिजूल खर्ची पर जोर देते हुए विभिन्न प्रकार के समाज से जोड़ने के मार्गदर्शन हेतु जोर दिया। शाहबाद में NH-27 पर युवक का शव मिलने का मामला। मृतक व्यक्ति का नाम सुनील मेहता बताया जा रहा है। पाजनटोरी निवासी मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस से पहुंचाया अस्पताल। अस्पताल में डॉक्टर ने किया मृत घोषित। देवरी में करता था फोटोग्राफी का काम। परिजनों को दी सूचना। अभी तक 6 दिनों में 20 से अधिक हो चुकी है मौत। मांगलोर में बजट की कमी के चलते क्षेत्र में मांगलोर शीर्ष वाली सड़क, मांगलोर बमोरी कला सड़क समेत कई विकास कार्य अवरुद्ध पड़े हैं। ऐसे में ये जर्जर सड़कें वाहन चालकों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। जर्जर सड़कों के बीच खाई नुमा गड्ढे बनने लगे हैं, जहां बड़ा हादसा होने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई है। परंतु इन खाई नुमा गड्ढों से बचने के लिए संबंधित विभाग ने अभी तक कोई सूचना पट नहीं लगवाए हैं। इस सड़क पर मध्य प्रदेश बाड़ौदा
श्योपुर, जयपुर, आगरा, मथुरा की ओर जाने वाले वाहनों का दबाव अधिक रहता है। वर्तमान में मैंगलोर से बम्बोरी कला 13 किलोमीटर सड़क का सफर तय करने में लोगों को एक घंटे का समय लग रहा है। ऐसे में इस सड़क से गुजरने वाले वाहन चालकों की वाहनों की भी बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, जो सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधियों समेत सरकार को जमकर कोस रहे हैं। पाली जिले के घाड़े राव कस्बे माता रानी भटियाणी का मेला व वर्षगांठ समारोह धूमधाम से शुरू हुआ। इस अवसर पर मेहंदी वितरण, बंदोली व धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का आयोजन रसी सेना के बनेर तले आयोजित किया जा रहा है। इस दमरोह की व्यवस्था में रसी सेना के सदस्य जुटे हुए है। सोमवार रात्रि में एक रात माता रानी भटियाणी के नाम भव्य भजन संध्या का आयोजन हुआ। भजन संध्या में धर्मेंद्र सिंह परिहर एंड पार्टी ने रात भर प्रस्तुत भजन रचनाओं पर श्रोता झूमते रहे। भजन संध्या का संचालन ऋषभ नागर ने किया। भजन संध्या में राजस्थान दिल्ली के मनोज, रिया, राहुल राजस्थानी, चेतन गिरी इत्यादि कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति दी। भरतपुर स्थित बछेरा आश्रम को 5000 रुपए की सहायता राशि के चेक के साथ 52 कट्टे गेहूं, 26 कट्टे जो चूरी, एक पीपा तेल, सरसों सहित राशन सामग्री भेजी गई। सामग्री वाहन को व्यापार मंडल, कृषि उपज मंडी वेर अध्यक्ष भूरा सिंह चौधरी एवं समिति अध्यक्ष इंद्र मोहन शर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। समिति वेर के संयोजक घमंडी लाल मीणा ने बताया कि स्थानीय समिति की तरफ से अपना घर बछेरा आश्रम को 52 कट्टा गेहूं, 26 कट्टा जो चूरी, एक पीपा सरसों का तेल, 5000 रुपए की सहायता राशि का चेक भेजा गया है। यह सामग्री व राशि अपना घर में ठहरने वाली आश्रितों की व्यवस्था में मदद के लिए व्यापारियों से संकलन कर भेजी गई है।
कृषि उपज मंडी यार्ड वेयर व्यापार मंडल अध्यक्ष भूरा सिंह चौधरी एवं समिति अध्यक्ष इंद्र मोहन शर्मा द्वारा वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर सचिव रामस्वरूप मारवाड़ी, कोषाध्यक्ष मोहनलाल गुप्ता, शिक्षाविद जगदीश मिश्रा, पदम सिंह आदि मौजूद रहे। बजेरा के लिए सहायता राशि हेतु 52 कट्टे गेहूँ, 26 कट्टे चूरी, जौ की असहाय जानवरों के लिए 1 पीपा तेल, 1 पीपा खल यहाँ पर एकत्रित कर भिजवाई गई, जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदय यहाँ व्यापार मंडल वेयर श्री भूरा चौधरी जी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर गाड़ी को रवाना किया। इसमें शाखा अपना घर शाखा वेयर के अध्यक्ष श्री इंद्र मोहन जी शर्मा, सचिव श्री राम स्वरूप जी मारवाड़ी एवं कोषाध्यक्ष श्री मोहनलाल जी गर्ग एवं अन्य सदस्य। सेलाकुई में पवित्र रमजान महीना शुरू होते ही बाजार के सामान में अचानक महंगाई बढ़ गई। फल से लेकर सब्जी तक में लगभग पहले की अपेक्षा दोगुनी महंगाई की मार रोजेदारों को झेलनी पड़ रही है। रोजा इफ्तारी के लिए बाजार में सामान इस समय भरपूर मात्रा में है, लेकिन रोजेदार सोच समझकर सामान खरीद रहे हैं। यही वजह है कि रोजेदारों के सामने महंगाई की मार का असर साफ दिखाई दे रहा है। रोजे में इस तरीके के लिए अधिकतर पसंदीदा फल केला, सेब, अंगूर, खजूर महंगे हो गए हैं। केला 70 तो अंगूर 160, वहीं आम 100 रुपये तो चीकू भी 100 रुपये। इतना ही नहीं, सेब इस समय 200 किलो बिक रहा है। सेलाकुई मुख्य बाजार, रामपुर बड़ा, रामपुर, सहसपुर आदि क्षेत्रों की दुकानों में फल खरीदने आए रोजेदार मोहम्मद इकराम, मोहम्मद अनीस, शराफत अली, मोहम्मद लोकमान, जावेद अली, अरशद अली, नूर मोहम्मद आदि ने बताया कि फलों एवं सब्जियों में रमजान शुरू होते ही अचानक हुई वृद्धि से फलों की खरीदारी सोच समझ कर करनी पड़ रही है। उधर दुकानदार विनोद कुमार, शमशाद अली, फजलुर रहमान, शमशेर सिंह, ऋषि पाल आदि ने बताया कि रमजान के महीने में फलों की बिक्री ज्यादा होती है, लेकिन इस बार मंडी में ही ज्यादा रेट है, इसलिए उचित दाम से ही फुटकर दुकानों को फल बेचने पड़ रहे हैं। लेकिन पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष फलों की खरीदारी में काफी गिरावट दिखाई दे रही है। तो जैसे कि रमजान माह का महीना लग रहा है, तो इसमें सुन रहा है कि फलों के रेट बढ़े हुए हैं, सारे फ्रूट के रेट बढ़ा दिए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। हम किसको क्या दें जी, आधा किलो ही लेकर जा रहा है, कोई 250 ग्राम लेकर जा रहा है, पूरा दिन दिन बैठे ही रहते हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए खबर 24 न्यूज़। नमस्कार।